ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मियावाला क्षेत्र के वार्ड नंबर 68 तुनवाला मियावाला की सभासद पूजा नेगी अपने वार्ड में रह रहे प्रवासियों को पिछले 45 दिनों से दोनों टाइम भोजन करवा रही हैं। सभासद पूजा ने बताया कि ये राहत का काम रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ की सहायता व मदद से चलाया जा रहा है। पूजा ने बताया कि रोजाना करीब 400 लोगों को पका हुआ खाना दिया जा रहा है। सभासद ने कहा कि इस राहत के लिए हमारे क्षेत्र के खासकर युवा साथी जगमोहन मौर्य जैसे सहयोगी व कर्मठ समाज सेवी की सहायता से अपने सफलतम 45 दिनों तक निरंतर अपनी सेवा दी है। और नेगी ने बताया कि मैं सेवा के लिए अपने क्षेत्र की तमाम जनता व वार्ड की जनता का आभार प्रकट करती हूँ। पूजा ने ये भी कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक यहाँ के प्रवासियों को खाना खिलाने का काम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर करते रहेंगे। साथ ही वार्ड नंबर 68 तुनवाला मियावाला की सभासद पूजा नेगी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महंत इंद्रेश अस्पताल के माध्यम से रक्तदान शिविर भी लगाया। इस रक्त शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आयोजित ब्लड कैंप में 30 यूनिट से अधिक लोगों ने ब्लड डोनेट कर औरों की जिंदगी बचाने में अहम भागीदारी दर्ज कराई है। ये हमारे माननीय विधायक जी उमेश शर्मा काऊ जी और हमारे द्वारा और सभी लोगों का सहयोग और पूरी टीम का, इसके लिए मैं पूरी टीम का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि हम लोग इतने लंबे समय से दोनों टाइम का जो मजदूर हैं हमारे और जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं और गाँव वाले जो हमारे गांव के जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पर दोनों टाइम का जो भोजन कर रहे हैं और पूरी टीम का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। और आज इसी उसमें हमने अपने जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, इसमें हमने आज जो कैंप रखा था उसमें हमारे जो युवा साथी है हमारे भाई लोग हैं बहुत सहयोग दिया, काफ़ी मात्रा में सब लोग आए और हमारे 70 तक जो है वो डोनेट किया। इसके लिए मैं भाइयों का मैं युवा मोर्चा का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी और इसी तरीके से सबका आशीर्वाद और प्यार हमें मिलता है। तो आशा पूजा नेगी जी हैं जी और उनके जो हमारे हस्बैंड हैं उनके DAB के पूर्व सचिव विक्रांत नेगी जी 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 उनके सौजन्य से और हमारे जितने भी सहयोगी वर्ग जो हमारा सेवक परिवार है उनके पूरे सौजन्य से सब लोगों के सहयोग से ये जो रक्तदान का शिविर चल रहा है ये बहुत ही बढ़िया हमें लग रहा है। खुशी सभी लोग रक्त दे के आ रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं रक्त दे के आया हूँ। अच्छा लग रहा है हमें कि जब ये लॉकडाउन में भी लोग कह रहे नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं, सेवा तो कभी भी करो। हम तो कहते हैं कि सबसे बड़ा दान है रक्तदान। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्री।